data sets in our respective group. Before 10 to 15 minutes. With this link, actually, you will get this the stuff over there, right? We do this session on a collab. Firstly, मैं आपको एक normal description दे देता हूँ इस चीज को लेके कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज के activity में. So basically, हम लोग arthritis करके जो एक पार्ट रहता है हमारे बॉडी में, एक एक्चुअली नी पार्ट रहता है, नी पार्ट में अगर गैपिंग्स वगैरह अगर क्रिएट हो गई तो उस टाइम पे हम लोग मैक्सिमली एक्सरे निकालते हैं अपने बॉडी का, और एक्सरे निकालने के बाद में डॉक्टर हमें बताते हैं कि उसमें आपको लाइक एग्जामिन नॉर्मल मेडिकेशंस लेने चाहिए या फिर उसमें ऑपरेशन होना चाहिए. उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर नी के अंदर जो ग्लूटामिन रहता है वो अगर कम हो गया तो गैप्स क्रिएट हो जाती है, और जनरली आज के स्टेज पे ऐसा हो चुका है कि मैक्सिमली विदाउट विटामिन्स, मतलब ज़्यादा विटामिन हम लोग इनहेल नहीं करते हैं, और मैक्सिमली स्टूडेंट स्ट्रेच आउट करते हैं लाइक जिमिंग्स वगैरह करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि नी में गैप पॉइंट्स होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है. सो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आज डिनोट किया है कि हम लोग बाय सीएन प्रोसेस हम लोग नी का एक्सट्रैक्शन देख सकते हैं और उसको एक प्रोपोगेशनली डायग्नोस कर सकते हैं. अब इसमें एक्चुअली हम लोगों को बहुत ही बड़ा सेट लगता है, डेटा सेट इन द सेंस ऑफ योर एक्सरेज. तो वी हैव अ डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ एक्सरेज हियर. जैसे डेटा सेट का जो आपके पास में फोल्डर होगा नी डेटा सेट, राइट, उसमें आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखेंगी. मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ इनको. डाउटफुल मीन्स अगर मान के चलिए कि आपका जो भी एक्सरे है वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा तो डाउटफुल इसमें आएगा, राइट. और हर एक इसमें अगर आप देखेंगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सरेज ओवर देयर. ये सारे डेटा सेट्स ऑब्वियस है, मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किए हैं, लेकिन ये पूरे डेटा सेट्स आपके एक्सरे से रिलेटेड है. सो इट विल बी अ कॉमन एक्सरे पॉइंट्स कि हम लोग सिर्फ नी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और नी के ऊपर ही मैं आपका आज का सेशन लूंगा. अब इसके बाद में अगर आपका नॉर्मल है तो आप नॉर्मल में आ जाते हो, मॉडरेटेड है, मिड है, सेवियर है, तो आपके पास में मल्टीपल डेटा सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आपके पास में ये पूरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है. वॉट वी ट्राइंग टू डू कि इन्हीं डेटा सेट्स को यूज करके हम लोग एक जस्टिफिकेशन कर सकेंगे कि हमारे पास में ऐसी, जैसे हम लोग सी एन एन प्रोसेस के थ्रू इसे कितना एक्यूरेट बना सकते हैं और कितना एक्यूरेसी हम लोग गेन कर सकते हैं और इस फाइल्स को हम लोग किस टाइप से यूज कर सकते हैं. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस द लास्ट फाइल व्हाट वी हैव क्रिएटेड, राइट, तो वो प्रोसेस के बाद में जो लास्ट फाइल आपके पास में बचेंगी वो आप लोग एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, और वो वेब एप्लीकेशंस में अगर मान के चलिए उसे हम लोग लाइव करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन अपना एक्सरे डायरेक्ट उस पॉइंट में डाल के चेक कर सकता है. इट विल बी व्हाट लिमिटेशंस इट विल बी, मतलब आपका नॉर्मल है एक्सरे या मॉडरेटेड है या फिर सेवियर है. अगर वो सेवियर कंडीशंस में जाता है तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा. अगर वो मॉडरेटेड या फिर मिड लेवल पे है तो हम लोगों को नॉर्मल प्रिकॉशंस से भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल हो सकती है. सो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को अगर आप लोग करना चाहे इस प्रैक्टिकल को तो डेफिनेटली आप आपका गूगल ड्राइव, मैंने जो लिंक भेजा है आप कंप्यूटर पे वो लिंक को ओपन करके आप गूगल ड्राइव पे जा सकते हैं, और गूगल ड्राइव पे आप लोगों को यहाँ पे यही डेटा सेट्स और बाकी सारी चीजें मिलेंगी, राइट. यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही होंगी, दैट इज मॉडल डॉट एच फाइव, राइट. ये मॉडल डॉट एच फाइव फाइल्स जो है ये आपको एकदम लास्ट में क्रिएट होती है जब हम लोग हमारे एक्यूरेसी और बाकी रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग जब आउटपुट निकालते हैं तो ये फाइल यूज होती है. अब इस फाइल को हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन और भी ज्यादा बेटरली कर सकते हैं. इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं बता दूं कि
स्टार्टिंग में मुझे ये प्रोजेक्ट में लगभग 20% to 30% ये एक्यूरेसी मिली थी, लेकिन उसे जब मैंने और भी डेटा सेट्स के साथ में मर्ज किया तो उसके साथ में मुझे ये 51% तक की एक्यूरेसी मिल चुकी है। अब आई एम ट्राइंग टू गेट मोर एक्यूरेसी, लेकिन इसके लिए मुझे इसमें जैसे आज के इस प्रोसेस में आपको सिर्फ CNN का प्रोसेस दिखा रहा हूँ, राइट, लेकिन हम लोगों ने अगर इस प्रोसेस में KNN का प्रोसेस भी अगर ऐड कर दिया, जिसके हम लोग एक कंबाइनेशन ऑफ प्रोसेसिंग बना सके कि CNN प्लस KNN का दोनों का कंबाइन करके, सो इसका एक्यूरेसी लेवल और भी थोड़ा सा बढ़ सकता है और इसका एक्यूरेसी लेवल हमें लगभग 70% to 80% तक के जा सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी सारी चीजें प्री डिफाइंड है, मैंने ऑलरेडी वो कोड करके रखा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि प्रेडिक्शंस निकालने में टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, तो सिस्टम को प्रेडिक्शन लेने के लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है मेरे डेटा सेट्स का। अब मेरे पास में टोटल डेटा सेट्स है 5, राइट, मॉडरेट, सेवियर, मिड, नॉर्मल, राइट। तो इस डेटा सेट्स में लगभग 600 से ज्यादा एक्सरेज है और वो एक्सरेज को जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो वो प्रोसेसिंग में ऑब्वियस है कि टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने कोड को पहले ही आपके पास में एग्जीक्यूट कर दिया है और आप लोग उसे चेक भी कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पे मैंने यूज किया है वो फर्स्ट प्रोसेस ये है कि वी शुड ओनली वॉन्ट टू माउंट अवर ड्राइव। अगर आप ये प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं आपके सिस्टम्स में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो फाइल को डाउनलोड करना है CNN नाम के मेरे फोल्डर को, राइट, और उस फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसे करना है आपको माउंट, माउंट इन द सेंस ऑफ कि आप उस ड्राइव से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी ये ड्राइव से अगर कनेक्ट करना चाहूं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शंस के आउटपुट आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको आपके गूगल ड्राइव से एक लिंक आएगा आपके सेल फोन में या फिर आपके ईमेल अकाउंट में, उससे आपको लिंक करना पड़ेगा जिससे ये 100% ऑथराइज हो जाएगा कि आपका जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो क्या हो गया, मर्ज हो गया, लाइक दिस, कि एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा हमारे अकाउंट्स के थ्रू। आपको सिर्फ आपका जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है और यू आर रेडी टू गो फॉर इट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मुझे कोड आ चुका है 90, वो कोड जैसे मेरे फोन पे आ जाता है, पॉपअप हो जाता है, वैसे हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको डायरेक्टली एक्सेस ग्रांट हो जाएगा और वो एक्सेस के थ्रू हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे, राइट। चलिए कोड बंदे के लिए तुम्हें जस्ट अ मोमेंट, ओके, ओके, आई गेट दैट कोड ऑन माय सेल फोन राइट नाउ, इसे मैं एक्सेस कर लेता हूं, राइट। आफ्टर एक्सेसिंग इट ये आगे प्रोसीजर हो जाता है और आपको जस्ट इसको एक अलाउ परमिशन करना पड़ता है ताकि आपकी जो फाइल है जो हम लोगों ने CNN नाम से फोल्डर बनाया है वो फोल्डर इसमें माइग्रेट हो जाए, मतलब कनेक्ट हो जाए। एक बार आपका फोल्डर अगर ड्राइव पे आ गया तो आपका यहाँ पे ड्राइव कनेक्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन देखेंगे तो कनेक्ट ड्राइव है, मतलब आपका कौन सा, गूगल ड्राइव कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। जब आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट हो चुका है तो गूगल ड्राइव के अंदर आपको सेकेंडली कनेक्ट करना पड़ता है आपका फोल्डर, राइट। सो लेट्स गो फॉर इट, हम लोग सेकेंडली इसे कनेक्ट करेंगे विद द फोल्डर, राइट। फोल्डर बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाएगा एक बार आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट हो गया तो, राइट। आफ्टर दिस एक्चुअली इसमें केरास प्रोसेस यूज होता है, हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं फाइल वो केरास की रहती है। अब केरास की फाइल हम लोग को प्रेडिक्शन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, लेकिन केरास जो सिस्टम है उसके साथ साथ हम लोगों को एक बेस फाइल रहती है, दैट इज़ अ टेंजर फ्लो। टेंजर फ्लो फाइल आप लोग मैक्सिमम CNN प्रोसेस हो गया, KNN प्रोसेस हो गया,
या फिर कोई भी प्रेडिक्शन रिलेटेड अगर आपको चीज करनी है उसके लिए हम लोग टेंजर फ्लो का यूज करते हैं, राइट। अब टेंजर फ्लो में एक प्रॉब्लम ऐसा है कि रिसेंटली अगर टेंजर फ्लो अगर आप यूज करोगे विद द लेटेस्ट पाइथन मॉड्यूल तो टेंजर फ्लो आपको पाइचाम पे या फिर नॉर्मल आईडीई पे एरर देता है। उसके लिए आपको एक तो उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ेगा, लाइक 1.5 के वर्जन में आना पड़ेगा। If you are in directly go for it, अगर आप directly जा रहे हो 2. के वर्जन पे तो आपको पाइथन का जो मेन आपका रहेगा उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसे डाउनग्रेड नहीं करते हो तो क्या होगा? सो एक्चुअली अगर मैं अभी जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, अगर मैं इसे डायरेक्ट कर दूं और उसे डाउनग्रेड ना करूं तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी वो मेरा एक्यूरेसी लेवल पे इफेक्ट करेगा। एक्यूरेसी लेवल मेरा आएगा लगभग 20-30% पे। अगर मैं वो टेंजर फ्लो को डाउनग्रेड करता हूँ तो डाउनग्रेड करने के बाद में वहां पे मेरा एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्योंकि ओल्डर वर्जन के साथ में इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। तो फाइनली हम लोग टेंजर फ्लो को सिंपल सिंपल में इंपोर्ट कर देंगे। हमारे प्रोग्राम में टेंजर फ्लो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो टेंजर फ्लो, केरास, ये आप लोग मैक्सिमम इसमें यूज करने वाले हो, राइट। और आफ्टर इम्पोर्टिंग द टेंजर फ्लो व्हाट वी हैव टू डू कि हम लोगों को जो डेटा सेट्स है, राइट, हम लोगों ने डेटा सेट्स लाए थे, हम लोगों ने अभी सीएनएन का फोल्डर कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें हमारे प्रोग्राम में क्या करना है, वो जो 5 मल्टीपल फोल्डर्स थे जिसमें लगभग 1600 के आसपास एक्सरेज है, राइट, वो पूरे 1600 एक्सरेज को हमको इंटीग्रेट करना है हमारे प्रोग्राम में। अब वो इंटीग्रेशन कैसे होगा कि वो इंटीग्रेशन हम लोग CV2 और OS के थ्रू इंपोर्ट करेंगे और उसका पाथ दे देंगे हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे पाथ दिया है माई ड्राइव CNN, राइट। आपको पाथ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ही ड्राइव है। हमेशा हम लोगों का जो गूगल ड्राइव रहता है वो माई ड्राइव से ही रहता है सेव, राइट। और माई ड्राइव के बाद में जो सेकेंड है CNN के अंदर हम नी का डेटा सेट है, राइट। और ये डेटा सेट लगभग 1600 एक्सरेज का है। अब हम लोग एक पर्टिकुलर फोल्डर के हिसाब से कंटेंट नहीं करेंगे, हम लोग पूरा कंटेंट करेंगे, पहले पूरे के पूरे डेटा सेट्स को हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे और उस कंबाइनेशन के बाद में हम लोग उसको चेक करेंगे कि आप लोगों को एक आउटपुट रिजल्टेंट कैसे मिल जाता है। तो जैसे हम लोग उसे इंपोर्ट करेंगे तो यू कैन सी दिस आउटपुट, एक सेकंड मैं जूम कर लेता हूं, ओके, यू विल गेट दिस आउटपुट कि आपके पास में देखिए मॉडरेट, सेवियर, डाउटफुल, नॉर्मल, मिड, राइट, ये आपके पास में पूरे आ चुके हैं, एक टोटल 5 कंडीशन आपके आ चुके हैं। अब ये हमारा जो है सिस्टम ये क्या करता है, एक एरे फॉर्मेट में कनेक्ट कर लेता है क्योंकि जब हम लोग CNN प्रोसेस यूज करते हैं तो ये पिक्सल्स के हिसाब से कैलकुलेट करता है, माइट बी 3x3, 4x4, 5x5, 6x6। सो जब भी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि हम लोगों का जो फाइल है वो डायरेक्टली फेच हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आपका फाइल अगर दिख रहा है तो इनडायरेक्टली ये है कि आपका डेटा सेट वहां पे आ चुका है। आफ्टर कनेक्टिंग दिस डेटा सेट हम लोगों को इमेज साइज टोटल डिफाइन करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक सिंपल सा है कि मुझे अगर इमेजेस से ही क्या करना है, आपका एक्सरे को मर्ज करना है। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नॉर्मल इमेज, एक हमारा डेटा सेट। जब दोनों को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट वाला इमेज प्रोसेस है इसको मुझे ग्रे स्केल पे लाना पड़ेगा क्योंकि एज यू नो दैट ऑलरेडी वो ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। और ब्लैक एंड व्हाइट चीजों पे अगर आप लोग उस दूसरा एक्सरे लाओगे वो भी है ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। अब उसमें कोलैबोरेशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली मैच नहीं हो पाएगा, उसके आउटर बाउंड्रीज और लेयरिंग्स प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। सो उसके कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको मच डार्कर करना पड़ता है और उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एनहांस करते हैं कलरिंग में, जिससे वो प्लॉट्स जो है वो प्रॉपरली गैप्स हम लोगों को दिख पाए एक्सरे की, राइट। और इसी के साथ साथ हम लोग ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा डेटा रहे लाइक एक्सरे वो चले जाए डेटा पे और जो भी हमारे लेबल्स रहेंगे। अब लेबल्स क्या है यहाँ पे,
तो ये जो ऊपर आपको लेबल्स मिल रहे थे मॉडरेट सेवियर डाउटफुल नॉर्मल राइट, ये लेबल्स आपके चले जाए लेबल्स के टैग पे। तो जब हम लोग इसे प्रोसेस करते हैं आप जब भी इसे प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद में ऊपर जैसे हमारा बाकी की चीजें आउटपुट में आई वैसे ही ये भी हमको आउटपुट में एक ग्रीन कलर का टिक मार्क दे देगा राइट। मतलब हमारा जो डेटा सेट था वो हमारा कैप्चर हो चुका है, जितनी भी इमेज थी उसको हमने क्या किया सिर्फ कैप्चर किया है, अभी तक ये कन्वर्ट किया है क्या, नहीं हमने अभी तक इसे कन्वर्ट नहीं किया है राइट। सेकेंडली हम लोग अभी करेंगे इसे इंपोर्ट, इंपोर्ट नंपाई को हम लोगों ने इंपोर्ट इसलिए किया है ताकि हम लोगों को जो डेटा है मतलब आपने जो डेटा अभी क्या किया था गैदर किया था राइट, उसकी पॉसिबिलिटीज काउंट करें कि कितना है टोटल कितना अमाउंट है, क्योंकि अभी तक के सेपरेटेड है। मैंने आपको जस्ट बोला कि ये लगभग 1600 के आसपास एक्सरेज कॉपी है, लेकिन इसका एक प्रॉपर वैलिडेशन हमको चाहिए राइट कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है हम लोगों के पास में। तो उसी के कारण हम लोग क्या करेंगे पहले डेटा को एक प्रॉपर शो पे हमारे पास में कैप्चर करेंगे और इसे हम लोग चेक करेंगे फिर लास्टली लेबल टैग से। जब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं तो यू विल गेट अ प्रॉपर आउटपुट ऑफ 1650 एक्सरेज हमारे पास में इंपोर्ट हो चुके हैं और टोटल फोल्डर्स कितने हैं हमारे पास में, तो वी हैव अ 5 फोल्डर्स राइट। अब हम लोग अगर इसे शेप में लाए मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर उसके कंटेंट्स निकाल पाए कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ग्रे स्केल कर रहा हूँ तो हम लोग ग्रे स्केल में कितने कंटेंट्स हम लोग फॉलोअप कर सकते हैं, सो उसमें हम लोग लगभग बाकी डेटा सेट्स हम लोग चला के देखेंगे तो हम लोगों को एक प्रॉपर मिल जाता है दैट इज 256 इमेजेस को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम इतना बड़ा स्केल है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ इमेजेस को हम लोग फिल्टर कर पाएंगे राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग उसे चेक करेंगे और उसका एक आउटपुट हम लोग जनरेट करके देखेंगे फॉर अ रिजल्टेंट पार्ट कि हम लोगों के पास में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितना हम लोग कवर कर सकते हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज के साथ साथ हम लोग उस मॉड्यूल में क्या क्या चीजें और कर सकते हैं। अब इन पार्ट में हम लोग क्या करते हैं मॉड्यूल को ट्रेन करते हैं और टेस्ट कर सकते हैं राइट। बट ट्रेन और टेस्ट करने के बिफोर हम लोग को उस मॉड्यूल को कवर अप करना पड़ता है कुछ और फैक्टर्स में, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक्सरेस वगैरह नहीं चाहिए, आप लोगों को उसके अलावा भी बहुत सारी चीज चाहिए लाइक हम लोगों को ग्राफ चाहिए कि हम लोग कैसे ग्राफिंग करेंगे, हम लोग कैसे प्लॉटिंग करेंगे, सो उसके लिए भी हम लोगों को एक स्ट्रेटेजिकली वर्क करना पड़ता है कि हम लोग उसको कैसे कवर करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसे 2D मॉडल के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मुझे एक 2D कन्वर्सेशन मॉडल चाहिए, मतलब मुझे एक जो भी इमेज आउटपुट मिलेगा वो एक 2D रहना चाहिए। अगर हम लोग इसके साथ साथ CNN के साथ साथ अगर KNN प्रोसेस भी करें ऐड ऑन इसमें तो हम लोग एक 3D मॉडल भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक फर्दर प्रोसेस है कि हम लोग इन फ्यूचर इसमें ये भी इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली टेस्टिंग जो रहती है वो टेस्टिंग पर्पस आपको एक बार टेस्ट और चेकआउट उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले इस मॉड्यूल को रन कर लेता हूँ और रन होने के बाद में ये मॉड्यूल हमारा डेटा स्टोर कर देगा और स्टोर करने के बाद में मैं इस प्रोग्राम की पॉसिबिलिटीज देखना चाहता हूँ कि इस मॉड्यूल के थ्रू मुझे कितना एक्यूरेसी मिली है। तो जब मैं समराइज कर लेता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे 2D इमेजेस कितने निकल सकते हैं राइट, कर्व कितने हैं और अलग अलग स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं एज अ लिस्ट ऑफ पार्ट और उसमें मुझे दिख जाएगा कि टोटल परम्स कितने हैं राइट। इसके थ्रू हम लोग को पॉसिबिलिटीज जो रहती है राइट, इट विल बी अ बिलियन ऑफ पॉसिबिलिटीज कि जब हम लोग दो इमेजेस को माइग्रेट करके हम लोग उसकी पॉसिबिलिटीज निकाले तो वो पॉसिबिलिटीज हमारी ज्यादा निकलती है। तो हम लोग इसके थ्रू एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ट्रेन आउट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं राइट। अब मुझे इसके बाद में चाहिए कि एक प्रॉपर मेरा एक्सरे
जैसे जो हम लोगों को चाहिए था ग्रे स्केल इमेजेस, राइट? हम लोगों को ग्रे स्केल इमेजेस चाहिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो उसी डेटा को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से ट्रेन करूंगा, ताकि मुझे जो ग्राफ मिले वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रॉपर मार्जिन ग्राफ रहे, और वो ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे कि हम लोग उसे जस्टिफाई कर सकेंगे कि हम लोगों को एक्चुअल में उस प्रोसेस में आउटपुट जो है वो कैसे हिसाब से लेना है। माइट भी हम लोग प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रॉपरली प्लॉट कर पाएंगे। और जब मैं इसे वापस से रिकैप्सुलेट करता हूँ तो मुझे एक प्रॉपर ग्रे स्केल इमेज यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट? अब ये जो है ये दिस इज अ आउटपुट, ये हमारा एक हो जाता है आउटपुट, क्योंकि आपने जो एक्सरेज डाले हैं उसके बाद में ये पॉसिबिलिटीज निकल के आई है, राइट? और ये जो पॉसिबिलिटीज है ये आपको नॉर्मल, मॉडरेट, डाउटफुल, हर एक पैरामीटर पे आपको अलग अलग नी जॉइंट मिल जाएंगे। कि जैसे नॉर्मल का गैपिंग पॉइंट आपको कम दिख रहा है, लेकिन मिड में आपको गैपिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, राइट? डाउटफुल में आपको गैप्स और भी ज्यादा है। अगर आप देख रहे हैं तो इमेजेस में क्या हो जाएगा कि वो आपको एक कोलैबोरेशन, मतलब एक पार्ट्स जो है वो आपको एक सेपरेशन में दिख जाएंगे, राइट? और ये जो पार्ट्स है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट हम लोगों ने कहीं से डाउनलोड नहीं किया है, राइट? इट विल बी अ रिजल्टेड बाय द सिस्टम, कि हम लोगों ने जो डेटा सेट इंसर्ट किए थे उसी डेटा सेट से क्या हो गया, मैक्सिममली कॉल आउट हुए फंक्शनैलिटीज पे, और हम लोगों को एक कोलैप करके एक प्रॉपरली इनपुट मिल गया। अब इसी आउटपुट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा नी वगैरह है उसको हम लोग और भी ज्यादा लेवल पे टेस्ट कर सकेंगे। सेकेंडली, अब मुझे सबसे बड़ा पैरामीटर आता है कि हाँ आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि हम लोगों को चेक करना है इसका एक्यूरेसी कितना है, क्योंकि जब मुझे इन रिजल्टेंट आउटपुट का एक्यूरेसी पता लगेगा तभी मैं उस चीज को मार्केट में लॉन्च कर पाऊंगा। अगर मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है तो डेफिनेटली व्हाट कैन आई डू कि मैं इस मॉड्यूल को किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज करके मैं इसे लोगों तक के पहुंचा सकूंगा, ताकि आपको कभी भी ऐसा मन में आया कि आपके नी में अगर फ्रैक्चर है, या फिर आपको कुछ कभी प्रॉब्लम हुआ था, या फिर आपका पेन नी का बढ़ चुका है, तो आप एक नॉर्मल एक्सरे स्कैन करके यहाँ पर डालोगे तो आपको एक रिजल्टेंट आउटपुट प्रॉपर मिलना चाहिए, राइट? तो वो रिजल्टेंट आउटपुट आपको मिलने के लिए हम लोगों को सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्पस रहता है कि हमारा जो भी डेटा सेट है उससे मिला हुआ ये आउटपुट हम लोगों को एग्जैक्टली कितना एक्यूरेसी दे सकता है। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, कि वी शुड चेक द एक्यूरेसी, कि ये कितना एक्यूरेट हो सकता है। सो यहाँ पर हम लोग एक 38 बाइट्स का फ्रेमवर्क यूज करते हैं, मतलब आपको वो जो प्रोसेस है वो 38 टाइम्स चलेगा, और उसको चलने के बाद में आपको कितने टाइम पीरियड पे कितना जल्दी वो रिजल्ट दे पाता है, राइट? इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ डेटा को, राइट? आप देखोगे तो ट्रेन हो रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो हम लोग इसे डेटा को ट्रेन करके इसका हम लोग आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टाइम्स किया है, राइट? ताकि आपका टाइम बचा सकूं, क्योंकि ऑब्वियस है इट विल बी 100 ऑफ पैकेट्स में से एक एक पैकेट आपका लोड होगा, तो मैंने यहाँ पे 2 ही रखा है कि 1 ऑफ 2 करके ये जल्दी स्कोर आउट हो जाए। अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी यहाँ पर जो मिलती है वो आपकी मोर और भी एग्जैक्टली निकल सकती है जब आप इसका स्केलिंग बढ़ा दोगे, राइट? अब इसके लिए मैंने कल लगभग मैंने इसकी एक्यूरेसी रखा था 100 पे, और 100 फाइल्स को मैंने टेस्ट आउट किया था, और जब मैंने 100 फाइल को टेस्ट आउट किया था तो टेस्टिंग में ऑब्वियस है कि हम लोग जब भी किसी चीज का एक्यूरेसी और टेस्टिंग करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड लगता ही है। तो व्हाट आई गेट द रिजल्ट इज, ओके, दिस इज माय रिजल्ट ऑफ यस्टरडे। मैंने यहाँ पे लगभग 100 पैकेट्स चेक किया, राइट?
एंड 100 पैकेट्स को जब मैंने टेस्ट किया तो आई विल गेट अ 51% ऑफ एक्यूरेसी, राइट? मतलब ये प्रोजेक्ट में मुझे लगभग लगभग 51% ऑफ एक्यूरेसी मिल गई. लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम, इस एक्यूरेसी को लेने के लिए मुझे लगभग 4 घंटे लग गए, क्योंकि आपकी जब फाइल्स लोड हो रही है वो बिट बाय बिट सेकंड बाय सेकंड हो रहे हैं, लेकिन जब लॉस काउंट, एक्यूरेसी, वैल लॉस और वैल एक्यूरेसी, राइट, इन सारी चीजों को काउंटिंग स्टेट करने के लिए आपको लगेगा टाइम. इसी टाइम को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग इसी चीज को ऑफलाइन मोड पे करें. ऑफलाइन में ये और भी ज्यादा एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है हम लोगों को, लेकिन उस टाइम पे आपके पास में जो डेटा सेट रहेंगे वो डेटाबेस और भी ज्यादा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, तब आपको और भी एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाएंगे. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं, अभी हमारे पास में लगभग 4 घंटे के लिए तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए है नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, 2 ही एक्यूरेसी चेक करने के लिए रखा है, and I will get a 27% of accuracy, 30% of accuracy, अगर data count कम रखा तो. अगर मैं history में अगर सिर्फ 2 ही बार process चला होगा तो मेरा data count क्या हो जाएगा, low हो जाएगा, मेरा accuracy उतना ही कम रहेगा. जितना ज़्यादा बार मैं उस चीज़ को test करूँगा उतना ज़्यादा बार मुझे accuracy यहाँ पर मिलेंगी. अगर मैं 100 times test कर रहा हूँ तो I will get a 51%. लेकिन अगर मुझे और भी बढ़ाना है तो, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक सिंपली स्टार्टिंग में जो कहा था कि हम लोग KNN प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, हम लोग को 2 डेटा सेट बनाने पड़ेंगे. अब यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेन कर रहा हूँ डेटा सेट को और आउटपुट निकाल रहा हूँ. उस टाइम पे आपको 2 प्रोसेस यूज कर रहे हो, KNN और CNN, तो आपको ट्रेन एंड टेस्ट 2 फोल्डर्स अलग बनाने पड़ेंगे, और ट्रेन का अलग रहेगा, टेस्ट का अलग रहेगा, और दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो उसके साथ में आपको एक्यूरेसी लेवल थोड़ा और भी ज्यादा मिलेगा. अब जैसे वो जितना प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है वैसे वो क्या हो रहा है, देखिए आप 30% ऑफ एक्यूरेसी पे पहुंच चुका है, बट इट गोज अराउंड 31% और 32% या फिर 30% पे भी स्टॉप हो सकता है, राइट? तो ये प्रोसेस को होने के लिए लगभग 5 मिनट्स लगेंगे. तब तक के मैं आपको बाकी चीजें इसके रिलेटेड बता देता हूँ, क्योंकि After getting a accuracy, आपको accuracy मिलने के बाद ही हम लोग एक graph create कर पाते हैं. अब graph किस type का होता है? So graph आपको मिलता है कुछ इस plotting में, right? अब exact graph आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ये scale किया था 100 पर, right? और मैंने 100 files चलाई थी, तो 100 files का जब मैंने result and output लिया था तो मुझे graph कुछ इस pattern में मिला with the 51% of accuracy, जो जिसके लिए मुझे 4 घंटे लगे. लेकिन जैसे हम लोगों ने किया है तो might be graph will be a straight line, क्योंकि हम लोगों ने 2 ही प्रोसेस एग्जीक्यूट किए हैं. सो हम लोगों ने 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है, तो 2 प्रोसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर की फाइल्स जो रहेंगी 2 लाइन्स, ये रेड एंड ब्लू. रेड ब्लू आपकी स्ट्रीम लाइन हो सकती है, मतलब आपका ट्रेन लॉस और वायर लॉस आपका स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और ट्रेन एक्यूरेसी और वायर एक्यूरेसी भी आपकी स्ट्रेट लाइन में जा सकती है. अब फ्लक्चुएशन आपको तब पता लगता है जब आप मैक्सिममली फाइल्स अपलोड करके उसे ट्रेन कीजिए. जब आप मैक्सिममली फाइल अपलोड करके ट्रेन करेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाएंगे, राइट? साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं किस पे, कोलैब पे कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग जब इसे कोलैब पे कर रहे हैं तो हम लोग ट्रेन टेस्ट कर पाते हैं इसको, फाइल हम लोग जनरेट कर सकते हैं, राइट? अब आफ्टर जनरेटिंग दैट फाइल आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट में उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू एक्यूरेसी, राइट? आप वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं उसे. वेब एप्लीकेशन में अगर आप यूज करोगे उसे बाय PyCharm और अदर प्लेटफॉर्म, तो आपको फ्लेक्स से यूज करना पड़ेगा उसे, तो आप उसको और भी ज्यादा एक्यूरेसी पे आपको लेके भी मिलेगा वो, जहाँ पे आप लोग एक्सरे वगैरह अपलोड कर पाएंगे. सेकेंडली आप लोग इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी वैसे यूज कर सकते हैं, तो आप लोग इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वीकेंड. अगर हम लोगों ने इसका एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ा दिया और उसे एकदम एग्जैक्ट बना दिया तो वी कैन ऑल्सो यूज इट ऑन अ हॉस्पिटलिटी,
क्योंकि अगर कोई पेशेंट आता है, अगर वो स्कैन रिपोर्ट तुरंत की तुरंत ऑनलाइन में अपलोड कर लेता है या फिर हॉस्पिटलिटी में ये अगर सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग उसकी स्कैन कॉपी तुरंत डाल के डॉक्टर के पास जाने के पहले ही डॉक्टर के पास में फीडबैक हो जाएगा कि उसके प्रॉपर नीज में क्या प्रॉब्लम है और कितने रेशियो पे है। तो ये सारे प्रेडिक्शन पहले से ही आ जाएंगे। अब हम लोग इसे जो है इसे हम लोग प्रेडिक्शन ही कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। एग्जैक्ट रेशियो तो आपको डॉक्टर्स ही बताएंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक के इतने एक्यूरेट नहीं है इस स्टेट के। हम लोग एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में आपको एग्जैक्ट बीमारी बता पाए, राइट? तो लेकिन हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन हमारी एटलीस्ट हो कि आपका कौन से स्टेज पे है, आपका प्रॉब्लम कौन से स्टेज पे है, हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए। अगर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए कि हमारा प्रॉब्लम कौन से स्टेज पे है, तो वो स्टेज के हिसाब से डॉक्टर भी आपको वो टाइप का ट्रीटमेंट दे सकता है, राइट? सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर हॉस्पिटलिटी एंड इंक्लूडिंग द ह्यूमैनिटी। ओके, लगभग 34% हो चुका है, 38 हो जाएगा, देन सेकेंड फाइल कर सकते। ओके, तो लास्टली हम लोगों को क्या चाहिए कि मान के चलते हैं कि हम लोगों ने इसे बनाने के पीछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंड मोटो। तो एक्चुअली ये पहले से ही इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हम लोग को एक प्रॉपर एक्यूरेसी इसमें मिली नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसका एक एक्यूरेसी लेवल हम लोग और भी ज्यादा बढ़ा सके, राइट? और बढ़ाने के साथ साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाए। सेकेंडली, आप लोगों को जितना आप लोग ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे डेटा को, तो आपको एक ऐसा चार्ट बोर्ड भी मिल जाएगा। इस चार्ट बोर्ड पे आप लोगों को नॉर्मल स्केल्स कितने जा सकते हैं, डाउटफुल कितने जा सकते हैं, मिड लेवल पे कितने जा सकते हैं, मॉडरेट पे कितने जा सकते हैं, ये सारे स्केल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम में ही आपको मिल जाएंगी। यू हैव टू ओनली रन दिस प्रोग्राम और आपको एक एक चीज़ का एग्जीक्यूशन वहीं पे आपको मिल जाएगा। एंड ये प्रोग्राम मैंने आप लोग के साथ में इसलिए शेयर किया है ताकि इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट, आप एक बार जाके उसको चेक करके देखिए, आप उसको चला के देखिए। इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑल्सो, तो आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ सकता है। हाँ, मोर देन 52-55% के ऊपर नहीं जाएगा अगर आप 1000 फाइल भी चेकआउट करोगे तो, क्योंकि इसके इसमें सिर्फ CNN प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया है। अगर आप KNN के साथ में मर्जिंग करते हो तो आपका 70% तक की एक्यूरेसी जा सकता है। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ KNN प्रोसेस वगैरह, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई एम यूजिंग दिस नी एक्सरेस इमेजेस, राइट? अब ये जो नी एक्सरेस इमेजेस थे, इसमें मैंने मेडिकल एक्सपर्ट 2 का फाइल यूज किया है, राइट? आप चाहे तो इसमें आप लोग मेडिकल एक्सपर्ट 1 का फाइल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास में दो डेटा सेट्स बन जाएंगे। अब ये दो डेटा सेट्स एक ही प्रोग्राम में हम लोग अगर रन करते हैं तो हम लोगों को उसको बायफोगेट करना पड़ेगा बाय ट्रेन एंड टेस्ट, कि पहले ट्रेन होगा डेटा, उसके बाद में डेटा टेस्ट होगा और फिर आपको मिलेगी एक्यूरेसी। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों मॉड्यूल्स हैं, लाइक मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको ये भी डेटा सेट चाहिए होंगे तो डेफिनेटली आई विल गिव यू, कि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर ये चाहिए होगे तो आई विल गिव यू दिस। तो आपके पास में ये दोनों इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग एक इसमें लगभग 1500 के आसपास पॉसिबिलिटीज एक्सरेज इमेजेस है और दूसरे इसमें आपके 16,050 इमेजेस है, मतलब 1650 इमेजेस है। तो ये दोनों का अगर कोलाब्रेशन देखेंगे हम लोग तो इट विल गोज अराउंड अ नियर टू लगभग 3,000 के आसपास आपके एक्सरे इमेजेस आ जाएंगे। तो उस एक्सरे इमेजेस से हम लोग फिर ट्रेन एंड टेस्ट करके हम लोग एक रिजल्ट एंड आउटपुट और भी एक्यूरेसी के साथ में निकाल सकते हैं। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग कि हम लोग इसमें और भी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे, राइट? ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 10% हो चुका है सेकेंड इको रेशियो पे। एक्चुअली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको प्लॉटिंग दिखाए थे, राइट? जो मैंने आप
आपको अभी रिसेंटली ग्राफ दिखाया था, दिस वन राइट, इसमें आप देख रहे होंगे लॉस एक्यूरेसी है राइट और एक आपका नॉर्मली ग्राफ स्टेट है। तो ये एक्यूरेसी और ग्राफ स्टेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। अगर आप देखेंगे इस स्टेट पे तो आपको यहाँ पे लॉस एक्यूरेसी और वैल लॉस का आपको वहां पे फाइल दिखेगा, मतलब और एक्यूरेसी का दिखेगा राइट। तो जब आपको ये सारा आपका एक्यूरेट रेशियो मिल जाता है तो उसके बाद में आप इजीली उसको प्लॉट कर सकते हैं। राइट तो मैं फर्दर कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, उसके बाद में लगेगा। तो जैसे ये फिनिश्ड होता है हम लोग इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं राइट। अब मुझे आफ्टर गेटिंग दिस एक्यूरेसी मुझे चेक करना है प्लॉटिंग्स के थ्रू, मैं जो ग्राफ है वो ग्राफ अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैंने मैट प्लॉट लैब का यूज किया है ताकि मुझे एक प्रॉपर प्लॉटिंग मिले और एक ग्राफ रेशो मिल पाए। एरे का मैं यूज करूंगा 1, 2, 3 का और उसके साथ साथ हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू ये प्लॉटिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। और जब हम लोग इस प्लॉटिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद अ 2 ग्राफ तो आपको कुछ ऐसी एक्यूरेसी मिलेगी। जो मैंने आपको दिखाया वो विद द 100 था कि हम लोगों ने 100 नॉस को यूज किया था और यहाँ पे मैंने 100 को कैप्सुलेट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 के जगह अगर 100 लिख दो तो 100 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, उससे आपको एक्यूरेसी लेवल भी थोड़ा बढ़ के मिलेगा। और वैसा ही यहाँ पर आपको जो एन नंबर लिखा है राइट, एन मतलब लाइन, एन नंबर ऑफ लाइन्स, तो यहाँ पे मैंने 2 दिया है क्योंकि हमारे पास में ऊपर 2 ही आउटपुट रिजल्टेंट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 आउटपुट रिजल्टेंट्स यूज करता हूँ और 100 देता हूँ तो 100 के हिसाब से मेरा वो ग्राफ निकला था। लेकिन जब मैंने इसको 2 पे कर दिया तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से है कि ट्रेन लॉस एंड एक्यूरेसी लेवल मेरा कितना है। तो यहाँ पे लॉस एंड एक्यूरेसी लेवल है, यहाँ पे मुझे स्ट्रेट थ्रू मिल रहा है फिलहाल के लिए क्योंकि हम लोगों ने 2 ही बार उसको रन किया है प्रोसेस को। आप जितने बार रन करेंगे जितने फ्लक्चुएशंस आपके प्रोग्राम में आएंगे उतने फ्लक्चुएशंस यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएंगे। ओके देन आफ्टरवर्ड्स हम लोगों को उसी का लॉस और एक्यूरेसी का टेस्ट चाहिए कि लॉस कितना परसेंट आपका हो सकता है डेटा पैकेट लॉस। तो एक्चुअली यहाँ पे 1.5% ऑफ डेटा लॉसिंग के चांसेस है ही राइट। और आपका एक्यूरेसी लेवल, जैसा मेरा एक्यूरेसी लेवल जो था वो 0.34, मतलब 34% तक के हम लोग एक्यूरेसी निकाल पाते सिर्फ 2 पार्ट से, ज्यादा उसमें और भी एक्यूरेसी पार्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोगों को एक प्रॉपर इमेज चाहिए थी कि जिसके थ्रू हम लोग जो भी आपका स्टेबल इमेज है, मतलब नॉर्मल, अगर आपका एक्सरे नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल के लिए भी आपने ऊपर ग्राफ्स निकाले ही थे, लेकिन आपको एक प्रॉपर इमेज सेगमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इमेज टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट करके हम लोगों को एक आउटपुट इमेज कुछ इस टाइप से मिल पाएगा। दिस वॉज योर फाइनल आउटपुट कि हम लोगों के पास में जो ट्रेन और टेस्ट कर रहे हैं जितना भी डेटा हमारे पास में है उसमें सबसे ज्यादा डेटा कौन सा है। तो हमारे पास में डाउटफुल वाला डेटा सबसे ज्यादा है। तो ये था मेरा कोड आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपका ज्यादा आज टाइम नहीं लूंगा राइट, एंड कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हम लोग करके दिखाएंगे हैंड्स ऑन। सो दिस वॉज माई कोड जो मैंने आपके यहाँ से जब विदा लिया था, कब, परसों के दिन राइट। तो परसों के दिन मैं जब आपके यहाँ से जा चुका था और मैं आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ लेके आऊंगा, सो आई सर्च फॉर दिस एंड आई वर्क ऑन दिस, और ये मेरा यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपके आगे आ चुका है। अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो अगर मैं इसे सेव करना चाहूंगा तो सेव करके मुझे ये md_model.h5 की फाइल मिल जाती है, जनरेट हो जाती है। आप इस फाइल को कॉपी करके किसी भी फर्दर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली ये वही है कि आपने जो भी कोड किया है उसी कोड का ये रेप्लिका है राइट। सो इनडायरेक्टली अगर आप ये फाइल को यूज करते हैं तो ये प्रोसेस उतना ही टाइम लेगा जितना आपको वहाँ पे लोडिंग सेक्शन पे टाइम जा रहा था। सेकेंडली हाँ, ये टाइम टेकिंग है थोड़ा बहुत प्रोसेस, क्योंकि अभी तक की इसका कोई मुझे
सोल्यूशन नहीं मिला कि और भी कम रिड्यूस कर पाऊँ टाइम। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में मुझे जितना अपलोड होने में, जैसे आपको देखा था दो फाइल अपलोड होने के लिए हमको कुछ 10-15 मिनट का टाइम लग रहा है, इसका आउटपुट भी जनरेट होने के लिए आपको 10-15 मिनट का वेटिंग पीरियड रहेगा। लेकिन ये फाइल को आप अगर यूज करते हो तो 30-40% ऑफ एक्यूरेसी के साथ में हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर इसको मैं और भी ज्यादा ट्रेन आउट करूँ, जैसे 100% पे मैंने किया था, तो 51% ऑफ एक्यूरेसी के साथ में ये मुझे मिल पाता है। सो दिस इज इट, यहाँ तक के मैंने आप लोगों के लिए एक हाँ, अगर आप में से किसी को ये कोड्स के बारे में और भी ज्यादा कुछ पता होगा तो आप आके यहाँ पे प्लीज डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, राइट और यस। और अगर आपके पास में सिस्टम होगा तो यू कैन गो विद दैट एंड यू कैन रन विद दिस, आप इसे रन भी करके देख सकते हैं। बस एक चीज को याद रखिएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेप्स थोड़ी भी ऊपर नीचे हो गई तो आपका मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। हाँ, इफ यू वांट टू गो विद दैट, अगर आप कोड को चेक करना चाहते हैं या फिर कोड को रन करके देखना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। ओके सर, जेपीजी फाइल जो दिखाया था, जेपीजी फाइल जो दिखाया था विद द 100%, दिस वॉज ओके। एक्चुअली ये रेशियो है, एक्चुअली ये जब हम लोग कैप्सुलेट कर रहे थे, जैसे ग्राफ में आपके नहीं क्या अप एंड डाउन मोशंस आपको मिले, राइट right? तो वो पार्ट्स जो रेशियो आपके जो मिस आउट हो रहे थे या फिर जो पॉइंट्स अप एंड डाउन हो रहे थे, तो वो हम लोगों ने ग्राफ के पॉइंट्स में निकाल दिया। यस, इट विल बी अ नंबर्स कि कितना आपका फ्लक्चुएट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल को नंबर, हाँ एक्चुअली ये जो सर है चीजें, तो जब आपका एक्यूरेसी टेस्ट हम लोग कर रहे थे राइट फाइल्स का, तो फाइल्स के एक्यूरेसी टेस्ट में ये फ्लक्चुएट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट फ्लक्चुएशन ये कितने बार फ्लक्चुएट हुआ था उसका हम हाँ n इक्वल टू 3 एंड इंक्लूडिंग सर यहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा। अब जो हमारा हिस्ट्री टैब पे था नहीं क्या, राइट right? यहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा, सो यू विल गेट दैट रिजल्ट विद द 3 पॉइंट्स। मैंने इसे 100 पॉइंट्स पे भी चला के देखा था, बट इट विल टेक अ मच टाइम, आपको लगभग लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे। जितने भी मेडिकल डिवाइसेस है ना, उस दिन दैट डे आई हैव टोल्ड यू दैट इमेजिंग एडमिशन के समय वो सुनूंगा। आज उसका रामदास पीठ में मैम आपके रेशियोस आपने स्टार्टिंग से करना पड़ता है, वो आपको हाँ इंटीग्रेट हुआ नहीं है आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर को पहले आपके ड्राइव पे डालना पड़ेगा, उसके बाद में उसको हाँ ऑन कीजिए। हाँ हाँ ये हो ही नहीं रहा है, तो इससे होता क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ऑन करो, ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा आ गया मेरा, अभी ये रन नहीं हो रहा, ये एरर दिखा रहा है, तो ये लिंक देना पड़ेगा। हाँ लिंक देना पड़ेगा सर, नंबर देना पड़ेगा, ये एरर आ गया, नो सच फाइल कंटेंट्स माय ड्राइव और सीएनएन। आपका ड्राइव में आपने ले लिया है क्या, आपके ड्राइव में कौन से नाम से है, सीएनएन से तो है सर, शेयर्ड विथ मी में है आपका, राइट शेयर्ड विथ मी है ना, तो आपको ये माय ड्राइव पे डालना पड़ेगा, शेयर्ड विथ मी से माय ड्राइव में, राइट right? अगर ये शेयर्ड विथ मी पे है तो आपको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। आप जस्ट इसको कट पेस्ट कर सकते हैं अभी,
मैट्रिक्स पे आप डाल दीजिए इसको। आइटम कॉपी टू क्लाइंट बोर्ड ऐसा बोल रहा था। मैंने क्या किया अभी कोलैब में तो यहाँ पे ले लिया भाई। चलेगा, एक काम कर सकते हैं। नहीं, अगर वो शेयर्ड विथ मी में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। कॉपी नहीं हो रहा इथे माय ड्राइवच्या जागी। हाँ, माय ड्राइवच्या जागी नाव चेंज करावं लागेल आपल्याला। आपल्याला नाव टाकावं लागेल शेअर्ड विथ मी। बस झालं। परत एकदा रन करून बघा, तरी एरर घेतला नाही। स्पेसिंग मुळे घेताय का तू विथ ऍक्च्युअली वेगळ्या कलर मध्ये आहे ना। डाउनलोड करते सीधा सीधा इसमें डालते ये डेटा सेट ही है। हॉस्पिटल लेके आइए नहीं तो फिर कैल्शियम हीमोग्लोबिन जो भी है मतलब सेक्टर कंटिन्यू हमको फाइल भी चाहिए। हमको ये पूरी फाइल चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम डाउनलोडिंग इट। सो दिस पर्सन शुड गो एंड कंसल्ट अ सर्जन या फिर तुम्हारा ऑर्थोपेडिक जो भी है उनके पास जाकर। एक बार डाउनलोड हो जाए हम लोग माय ड्राइव पे कॉपी कर लेते हैं और ड्राइव से फिर एक्सटेंशन दे देते हैं। माय ड्राइव में अभी अपलोड कैसे हो गए? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हम लोग। एक बार ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड्स पे आ गया कि उसको डायरेक्टली उसमें डाल देंगे, हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस एक्चुअली थोड़ा और टाइम अगर मुझे मिला रहता तो मैं इसके साथ में इसे वेब एप्लीकेशन के साथ में भी इंटीग्रेट कर सकता था। तो अगर मैं वेब एप्लीकेशन के साथ में इसे इंटीग्रेट करता तो अगर कोई पेशेंट वगैरह है तो उसका एक्सरे अगर हम लोग वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली ये रेशियो मिल पाता था, नॉर्मल है, मॉडरेट है या कोई भी है। तो मैंने ट्राई किया था, डेफिनेटली आई विल ट्राई। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था कल इसे, बट इतना करने में ही मुझे लगभग बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो मैं हार्डली इफ द लेडी इज द प्रेग्नेंट और उसका हस्बैंड अगर यूएसए में है तो उसके डिवाइस में सब दिख रहा है कि बेबी के बस। और आजकल नया पैड चालू हो गया है अपर कार्ड में कि भाई हां मेरा बेबी अभी क्या कर रहा है। डॉक्टर लोगों के पास से भागे से ले रही है 10,000 रुपए फॉर वन मंथ और बोले चलो सब फैमिली जमा हो जाती है, चलो बच्चा क्या कर रहा है, थक 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 वो सब सुनते हैं। This is new pad, this is going on now upper class में क्या कर रहा है बच्चे ने। तो ये कहाँ जा रही है थोड़ा सा। अभी मैंने इसको अपने पोस्ट वाले में चाहिए माँ। ओके, आप इसे कनेक्ट करके देखिए पहले। हाँ, रन एनीवे, राइट? आपको मैसेज आना चाहिए आपके फोन पे या फिर जहाँ से भी आपने एक्सेस किया है। जब वो कंफर्मेशन होगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपके ड्राइव से। कनेक्ट हो गया कि वो फुलफिल हो जाएगा आपको। मैम एक्चुअली आप कोलैब पे रहिए, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए इसे। अब आप यहाँ से जब चूज करेंगे, राइट, आपका नाम तो इस ईमेल आईडी पे आ जाएगा या फिर आपका फोन अगर कनेक्टेड रहेगा फोन से क्लिक कीजिए आपके नाम पे। डॉक्टर वो देखेगा सही से कि है, इसके भी बैठा है, डॉक्टर बैठा है। हां ठीक है, ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू।
प्रॉब्लम है तो लेके आना, तो मैंने लेके भेजिए उसको इमीडिएटली कार से लेके आओ। तो बिजनेस का थिंग व्हिच आर हेल्पिंग द मैनेजमेंट, तो डेट रेट जो है ना बिकॉज़ ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल इमरजेंसी में तो वो कम हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ दैट। अभी ये थे ना जितने जितने लोग इसमें डालते जाएंगे ना उतनी उतनी एक्यूरेसी बढ़ती है, बट ये इंडिकेशन है कि यार देयर इज सम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले अभी डिफिकल्ट थे पढ़ने लगा यहाँ पे तो मेरा बीपी चेक कर लिया, बीपी में अगर प्रॉब्लम है डॉक्टर को कोई डाउट आया तो देन ही गो फॉर दैट मर्क्यूरी वाला अप्रोच ले आएंगे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली हेल्पिंग। तो अभी आपका 1600 दिए हैं जिसके बेसिस पर आपका टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है। हां सर, क्लासिक आईडिया जिसके बेसिस पर अर्जेंट टू वेन वन इज द डेटा सेट, डेटा मतलब वो नहीं सर बढ़ेगी बट टाइम बढ़ेगा सर, टाइम बढ़ेगा सर। रिलेटेड टू हेल्थ साइंस समथिंग यू आर गिविंग द प्रेडिक्शन और कंक्लूजन। यस, एक्चुअली मेडिकल फील्ड में व्हाट वी नीड मच मोर कि हमारे पास में एक्यूरेसी प्रॉपर चाहिए। आपको भला ही टाइम ज़्यादा लगे तो भी चलेगा बट एक्यूरेसी आपको एग्जैक्ट रखनी पड़ती है। गलत एक्यूरेसी रही तो हम लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है। लाइक एक नॉर्मल पेशेंट है, अगर उसको मैंने डाउटफुल में दिखा दिया तो वो गलत हो जाएगा। नो बिकॉज ऑफ द डेटा सेट। यस, क्योंकि अभी 1600 इमेजेस है और मैंने 100 ऑफ प्रोसेस अगर डाल दिया तो 100 ऑफ प्रोसेस के लिए जैसे मैंने आपको कहा मुझे लगभग 4 घंटे लगे, राइट? तो उसी के हिसाब से अगर मैं डेटा सेट और बढ़ाऊंगा, राइट? हाँ, तो उसमें से मैं एक काम कर सकता हूँ, व्हाट वी कैन डू कि हम लोग इसके साथ में CNN के साथ में अगर KNN प्रोसेस ऐड करें तो दोनों डेटा सेट एक साथ में वर्क करेंगे, और अगर एक साथ में वर्क करेंगे तो भले ही वो 6 घंटे के जगह हम लोगों को उतने ही टाइम में रेशो मिल जाएगा कम टाइम पे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हम लोग इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं और इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, बट हाँ उसके लिए थोड़ा बहुत और रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको एक और इमेज दिखा देता हूँ जो मैंने ट्राई किया था मेरे डेस्कटॉप पे घर पे। सो एक्चुअली जब आप लोग सीटी स्कैन करते हैं हम लोग, राइट? तो सीटी स्कैन में भी आपका जो भी स्कैन रहता है ना वो स्कैन के लगभग कुछ 1000-1200 पॉसिबिलिटीज निकाले जाते हैं 2D को 3D को के हिसाब से, नहीं कि पूरा ग्राफ निकलता है। तो आपको सीटी स्कैन का रिपोर्ट लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ही मिलता है आज इंडिया में अगर देखा जाए तो, राइट? वो भी 3 घंटे बाद आपको कब मिलेगा, जब वो प्रॉपर एक सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट के पास में हम लोग जाते हैं, जैसे अपने बर्डी पे लैब है मेट्रो, राइट? अगर आप मेट्रो लैब के पास जाएंगे तो वो 1-1.5 घंटे के अंदर निकाल के देगा, राइट? और इंक्लूडिंग मैं आपको, हाँ, और मैं आपको श्योरली गारंटी देता हूँ, अगर एज अ जनरल मैनेजर ये तो आउट नहीं करना चाहिए मुझे, बट आप अगर मेरे ही हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पे मैं जनरल मैनेजर हूँ, राइट? यस हॉस्पिटल, आपको 4 घंटे वेटिंग पीरियड लगेगा सर। सिंपल आप 4-5 घंटे वहाँ पे बैठोगे ताकि आपको सीटी स्कैन का रिपोर्ट मिले। भला ही लगेगा तो सीटी की मशीन वहीं पे, प्रोसेस भी वैसे होता है। लेकिन अगर आज के रेट पे देखा जाए तो प्रोसेस कैसा होता है कि आपका सीटी स्कैन होने के बाद में जो एक्यूरेसी लेवल चेक करने वाले पर्सन है ना वो आपके यहाँ पे सीटिंग नहीं है, वो सारे के सारे पुणे मुंबई बैंगलोर में सीटिंग पर्सन है, और ये जो फाइल्स रहती है ये उनको इम्पोर्ट होती है बाय अ सॉफ्टवेयर, राइट? और सॉफ्टवेयर होने के बाद में वो लोग क्या करते हैं उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद में वो अपना जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके वो आपको रिटर्न बैक भेजते हैं बाय अ सॉफ्टवेयर। तो इसमें बीच में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज हो रही है वो क्या कर रही है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। अगर आगे से डिले हो गया तो हॉस्पिटलिटी में इफेक्ट हो जाता है कि आपके यहाँ पे तो 4 घंटे में मिलता है, आगे वाले में तो 1 घंटे में मिलता है, राइट? लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हमने AI टूल्स का यूज करके, जैसे ये प्रोसेस वगैरह है, राइट, अगर हमको ऐसा कुछ एक्यूरेसी वाला मिल गया तो वाइदर गो फॉर वाया हम लोगों को एक डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा और एक डायरेक्ट पर्सन के थ्रू, राइट, जिसमें किसी पर्सन का हाथ नहीं रहेगा, आपको एक डायरेक्ट रिजल्टेंट मिल जाएगा।
तो इस चीज पे अगर काम किया जाए तो हाँ हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग एक्यूरेसी बढ़ा के सीटी स्कैन का भी जो रिपोर्ट हम लोगों को एक डेढ़ घंटा लगता है ना उसको हम लोग विद इन 10 to 15 minutes में मिल पाए. सो दैट कैन बी डन बट ऑब्वियस इट इज अ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन साइंस. तो साइंस में एक चीज हम लोगों को हर बार करना पड़ता है दैट इज रिसर्च. एक्चुअली अभी तक ट्राई तो नहीं किया सो बट वी कैन. रिपोर्ट्स आल्सो और तीन चार पांच दिन बाद जब बाकी के बेड मतलब भर गए अब इसको निकालना है निकाल के हाँ बोले चलो अभी रिपोर्ट दो रिपोर्ट चला कहीं मेडिसिन सब लेन देता है मेडिसिन मुझे दैट फ्रॉड इज प्रैक्टिकली गोइंग ऑन. नहीं ड्राइव मध्येच आहे कंटेंट ड्राइव मध्येच आहे ड्राइव मध्ये आपला माय ड्राइव आहे ना डाउन हो गया. और आप उसको बोलेंगे कि नहीं सर मैं दूसरी जगह पे जाके मैं चेक करके लाता हूं तो आप करते भी कैपिटल चेन है कितना भी आप मान लो इंश्योरेंस करो होल्डर कैपिटल चेन है सर. ओके सर डॉक्टर तो भी कमेटी पे 1000 कौन सर की रेंट कर रहे हो सॉरी सर ये सर आपने जगह पे अरे प्रैक्टिस अपने जगह पे वो कमरे में यहां पे स्लैश में जाके कैपिटल में जाके भरोसा ही तो बेटी रहता बाकी दूसरा कौन करेगा. इवन वी कैन यूज हेयर फॉर कर सकते हैं बट वो लिंक थोड़ा पाथ अलग ही चल जाएगा. एक मिनट ऐसा कंडीशन कहीं ना कहीं से मिलता है तो वो वकील भी तो वही करता है ना सर. सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा. डेटा सेट का एक्चुअली पाथ लिंक आपको मैम एक सेकंड ये इसमें डाल दो अभी कंट्रोल सी करके डाल दो यहां पे नहीं नहीं कंटेंट मैट्रिक्स सीएनएन बस आपका कैपिटल चाहिए बस हो गया. मैम वन सेकंड आपका भी सेम एरर है कुछ और गलत और CNN का प्लीज ओपन कीजिएगा ये वाला. हाँ ओके इट इज अ zip फाइल हाँ इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा.
नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसमें ही है ना वो। लेकिन एक्चुअली वो फोल्डर जब उठाता है तो वो जिप फोल्डर यहां पे किया है ना मैंने, ये लेकिन वो भी जिप है। अच्छा एक सेशन है एनी पीछे अर्धा भाग, वो भी जिप है आई नंतर में डायरेक्ट राइट। मुझे लगता है जिप की, क्योंकि अभी तो ऊपर जीटी लिया ना उसने, यहां पे तो जीटी लिया उसने अंदर लंच वन सेकंड। तुम्हाला फीडबॅक वगैरे जे आहेत ते सर्व ऑनलाईन तुम्हाला पाठवू आम्ही, आणि एक हार्ड कॉपी आहे तुम्हाला फीडबॅक द्यायचा आहे, आणि जे आर्टिकल जर्नल जो होतो त्याचे रिलेटेड फीडबॅक ठेवू द्यायचा आहे। टेस्ट का घ्या बघा, ऑनलाईन आहे हो, गुगल आहे ना, गुगल फॉर्म मध्ये अंडा करायचा, अंडा 5 मिनिट चालू होते।